हेलो एवरीवन, टुडे आई टीच यू मैथ्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास 3 लेसन नंबर 7 फ्रैक्शन फ्रॉम पेज नंबर 106। दिस इज आवर थर्ड पार्ट वीडियो। इफ एनीवन नॉट सी द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वीडियो सो प्लीज विजिट आवर चैनल पोगो क्लास एंड प्लेलिस्ट क्लास 3 मैथमेटिक्स। ओके, नाउ लेट्स सी our today's topic. Write the shaded part of the figures given below in the form of a fraction. यहाँ पे जो shaded part है, shaded मतलब जहाँ पे color हुआ है, छायांकित भाग है, उसको हमें बताना है, fraction भिन्न के रूप में बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, लेफ्ट साइड आपका ये फिगर दिया है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट समेट, ये जो फिगर दिया है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है। शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर, कितना पार्ट जो है रंगीन हुआ है ना, शेडेड हुआ है, उसको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में यहाँ लिखना है ना। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो शेडेड वाला पार्ट है वो आपका आंसर है, और जो जितना भाग हुआ है ना उस पार्ट का, वो आपका हर है डिनोमिनेटर है, और जो शेडेड पार्ट है वो नोमिनेटर है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आकृति फिगर आप लोग को दिख रहा है उसमें फोर पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ लिखना है फोर, और कितना पार्ट यहाँ पे रंगीन हुआ है, वन, तो यहाँ लिखिए वन। अब भिन्न के रूप में आपको ऐसे दर्शाना है, वन अपान फोर। ओके, नेक्स्ट है ये जो पिक्चर आप लोग को दिख रहा है त्रिभुज का, कितने भाग में डिवाइड हुआ है, वन टू, टू पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ लिखिए ठीक। और यहाँ पे शेडेड कितना पार्ट है, वन पार्ट, तो यहाँ वन आएगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शन के रूप में, वन अपान टू। ओके, नेक्स्ट है ये जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो है वन पार्ट बस बचा है, फोर पार्ट में डिवाइड हुआ था, यहाँ फोर आएगा। और कितना पार्ट रंगीन हुआ है इसका, देखो थ्री पार्ट डिवाइड हुआ है, सॉरी रंगीन हुआ है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा थ्री। आप लिख सकते हैं थ्री अपान फोर। नेक्स्ट है यहाँ फोर पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये जो स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, वन टू थ्री फोर, यहाँ फोर, कितना पार्ट आपका रंगीन हुआ है, वन टू थ्री, यहाँ थ्री आ जाएगा, आंसर हो जाएगा थ्री अपान फोर। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, वन टू पार्ट में डिवाइड हुआ है, यहाँ टू लिखिए, वन पार्ट इज शेडेड, सो राइट वन, योर आंसर इज वन अपान टू। नेक्स्ट देखिए, यहाँ जो फिगर आपको दिख रहा है, वन टू थ्री, थ्री पार्ट में डिवाइड हुआ है, यहाँ थ्री आएगा, और आपका शेडेड पार्ट है टू, यहाँ पे टू लिखिए, आंसर इज टू अपान थ्री। नेक्स्ट देखिए, वन टू थ्री फोर, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, फोर, यहाँ पे आएगा फोर, एंड वन पार्ट इज शेडेड, सो राइट वन, आंसर इज वन अपान फोर। फिर नेक्स्ट है ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, फोर, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फोर लिखिए, एंड शेडेड पार्ट है वन टू थ्री, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, आंसर इज थ्री अपान फोर। इस प्रकार से आप बहुत से एग्जाम्पल लेकर, आकृति लेकर और बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 107 से देखिए, आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है। तो हमने आगे बताया था कि जो ऊपर में रहेगा, समझे ना, वो क्या है आपका न्यूमरेटर है, और जो नीचे रहेगा, जितने पार्ट में जो आकृति दी है वो डिवाइड रहेगा, वो नीचे लिखा रहता है, वो डिनोमिनेटर है। समझो, याद करने का भी तरीका आपको, जैसे डी बोल रहे हैं, डी से डाउन, डाउन मीन्स नीचे होता है ना, तो डी से डिनोमिनेटर जो है कहाँ रहेगा, नीचे, न्यूमरेटर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे देखिए वन अपॉन टू, इसमें क्या है, वन इज न्यूमरेटर है एंड टू इज डिनोमिनेटर। ओके, वन अपान थ्री, वन इज आपका न्यूमरेटर एंड थ्री इज डिनोमिनेटर,
1/4, 1 इज न्यूमरेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर. 3/4, 3 इज न्यूमरेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर. इस प्रकार से आप बना सकते हैं डिवाइडिंग अ कलेक्शन ऑफ थिंग. इस प्रकार से और उदाहरण लेकर आप बना सकते हैं. नाउ लेट अस टेक अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स एंड मार्क इट पार्ट्स. देखिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी करना है, अ कलेक्शन ऑफ बार्स. यहाँ पे बॉल का एक कलेक्शन है. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हाफ ऑफ द कलेक्शन. इस कलेक्शन का हाफ पार्ट करना है. तो देखिए यहाँ कितना टोटल है, 8 बॉल्स है, तो 8 का हाफ क्या हो जाएगा, 4. तो यहाँ पे 4 को अलग कर दिया गया है. यहाँ देखिए 1/4 आर क्वार्टर ऑफ द कलेक्शन. ये कलेक्शन है बॉल का, उसमें से आपको 1/4 मतलब उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है और 1 पार्ट को आपको सेडेड करना है. तो ये हो जाएगा 1/4 पार्ट. तो यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है और 1/4 पार्ट को आपको कलर किया गया. अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों का ग्रुप है. यहाँ आपको करना है 1/3 ऑफ द ग्रुप. इसको 1/3 बोल है तो यहाँ पे इसको 3 पार्ट में बराबर हिस्सों में बांटना है और 1 पार्ट को आपको कलर करना है. देखिए तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं, टोटल 12 बच्चे हैं, उसमें से 4 बच्चे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है ना. तो यहाँ पे 4 बच्चे जो है 1/3 पार्ट हो जाएगा. 3/4 ऑफ द ग्रुप्स. अब देखिए 12 बच्चों को 3/4 बोल रहे हैं ना, तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है और 3 पार्ट को आपको शेडेड करना है. ये इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज. दिया है यहाँ पे पेज नंबर 108 से है. मेक अ रिंग अराउंड हाफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन. यहाँ पे रिंग मतलब वही सर्कल ही करना है और जैसे वहाँ पे शेडेड हुआ था ना, यहाँ पे अलग करना है. ओके तो नाउ लेट्स सी. 1, मेक अ रिंग अराउंड हाफ और ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन. हाफ पोर्शन को आपको यहाँ पे अलग करना है ना. तो सबसे पहले तो आपको जितने भी जो वस्तु दिया है उसको काउंट कर लेना है और उसका हाफ बना लेना है. 1, 2, 3, 4 4 दिया तो इस 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2. तो 2 को आपको रिंग बना लेना है इस प्रकार से ना. नेक्स्ट है यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने चॉकलेट हैं, 6 चॉकलेट हैं. तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी तो एक पार्ट हाफ होगा है ना. तो कितना आ जाएगा, 1 पार्ट में 3. नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे 8 फीस है. 8 फीस से कितना होगा, हाफ पार्ट उसका 4. तो 4 को सर्कल कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ रिंग अराउंड 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन. यहाँ पे 1/3 पार्ट को आपको कलेक्शन जो दिया है उसमें से कलर करना है, पिक आउट करना है समझो. देखिए 1/3 बोल रहे हैं ना, तो एक जो वस्तु है एक बॉक्स में उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है. तो यहाँ देखिए 3 पैरोट ही है तो इसको 1/1 आपको डिवाइड करना. ओके देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1/3 पार्ट को आपको रिंग बनाना कवर करना है. तो यहाँ पे 3 पैरोट दिया है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1/1 हो जाएगा है. तो 1 को यहाँ पे रिंग बनाया गया. सेकेंड है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बल्ब दिया गया है तो इसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है. 1, 2, 3 तो एक पार्ट में 2 बल्ब आ जाएगा. तो यहाँ पे 2 बल्ब को कवर किए हैं. नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 कप है चाय प्लेट. 3 पार्ट में डिवाइड करने पर 3, 3 हो जाएगा. तो यहाँ पे 3 कप को रिंग बनाए हैं. ये 1/3 पार्ट हो गया. नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, मेक अ रिंग अराउंड 1/4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन. 1/4 पार्ट को आपको कवर करना है. तो 4th बोल रहे हैं तो यहाँ पे एक जो बॉक्स दिख रहा है उसमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है. सबसे पहले कितनी वस्तु है इसको काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. तो 4th पार्ट करना है तो कितना हो जाएगा, एक पार्ट में 2, 2 डिवाइड होगा है ना. तो 1/4 मतलब एक, ये देखिए 2 बटरफ्लाई आपको
रिंग बनाना है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे स्पून है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, 4 पार्ट में 1 2 3 4, एक पार्ट में 4 चम्मच आएगा, तो यहाँ पे 4 चम्मच को रिंग बनाए हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंगो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 मैंगोस है। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट में करेंगे तो 1 पार्ट में 5 मैंगो आएगा, 5 मैंगो को यहाँ पे रिंग बनाए हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे मेक अ रिंग अराउंड 3/4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो। नीचे जो कलेक्शन दिया है उसमें से 1 3/4 करना है, मतलब एक पार्ट को 4th पार्ट में डिवाइड करना है, उसमें से 3 हिस्सा आपको लेना है। पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो एक पार्ट में 2 डिवाइड होगा और 3/4 लेना है, मतलब 3 हिस्सा, 1 2 3 हिस्सा ले लीजिए यहाँ से, हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है, तो 4th पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको कितना करना है, 3 3 1 2 3 4, तो 3 हिस्सा लेना है, तो यहाँ पे 3 हिस्सा कवर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आपका काइट है, उसमें एक पार्ट में 3 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3/4 लेना है, तो यहाँ से 3/4 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से फ्रैक्शन आप बना सकते हैं और पिक्चर लेकर के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।